पंजाब के मशहूर सूफी गायक हंसराज हंस ने नदौन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान हंसराज हंस ने जहां लोगों को अपने अंदाज में भाजपा के पक्ष में वोट डालने का आह्वान किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की लहर है और इसे सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। नदौन विधानसभा क्षेत्र में धुआंधार प्रचार करते हुए मशहूर सूफी गायक हंसराज हंस ने सिरेड़ी, धनेटा, जलाड़ी, बड़ा भूमपड़ और नौंगी में चुनावी सभाओं में सैकड़ों लोगों की भीड़ को संबोधित किया। देर रात तक प्रचार में नदौन के प्रत्याशी के साथ लगे रहे हंसराज हंस ने अपने गीतों के माध्यम से भी लोगों से वोट मांगे। अपने संबोधन के दौरान हंसराज हंस ने कहा कि प्रदेश में भाजपा कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए थे, मगर आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और देश के भविष्य के लिए मोदी जैसा नेतृत्व तो जरूरी है। आप बीजेपी को जिताते हो, आपको पता है परखे हुए को क्या परखना। जब धूमल साहब की सरकार थी, प्रोफेसर पी के धूमल साहब की, तो आपने देखा होगा ये खूबसूरत सड़कें वाजपेयी साहब ने जो स्कीम निकाली थी उसकी वजह से बनी, एयरपोर्ट बने, क्रिकेट स्टेडियम बने, अनुराग साहब बजाते खुद बीसीसीआई के लिए। अच्छा, दोनों बाप बेटे ऐसे हैं, तीन दिन मैं बेटे के साथ रहा अनुराग ठाकुर जी के साथ, आज धूमल जी के साथ, मैं हर स्टेज पे यही कहा कि यार सीएम का बेटा, हमारे तो काउंसलर का बेटा पंजाब में हो ना, वो मोहल्ले को वक्त पाई रखता है। ये यार कितने बेनिमुन लोग हैं हिमाचल के। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अब मैं उस कुर्सी पे आ गया हूं जो कुर्सी इस मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी है, बड़ा रुतबा है। अब मुझे इस बात की इजाजत दो कि मैं वैसा प्रधानमंत्री ना हूं कि आया और गया। मैं गुंगा और बहरा बन के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता कि कारूंग की तरह गंज जोड़ना शुरू कर दे, अरबों खरबों रुपया जैसे इन लोगों ने स्विस बैंकों में इकट्ठे कर लिए और सारा हिमाचल डोल रहा है। नौ तारीख को वोटिंग पड़ेगी, वोटिंग होगी, 18 को रिजल्ट आएगा, 18 को फिर आप एक गाना सुनेंगे, आप कहेंगे ये वर्डिंग क्या होगी, इसकी शब्दावली कैसे बदल गई। गाना होगा ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा, ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा, वीर भद्र रोंदा होगा। जदो अग्निहोत्री जी फते गए पा, ये बच्चों को हिसाता होवेगा, लड्डू भी खिलाता होवेगा। भैया बहनों प्यारे बच्चों, ये गलती ना करना जो 5 साल पहले की थी। अब एक शब्द लो, शब्द ये है कि ये संदेश है हम हिमाचल वासियों का पूरी दुनिया के नाम, ये संदेश है हम हिमाचल वासियों का पूरी दुनिया के नाम। नो ड्रग्स, नो ड्रग्स, नो वार, नो ड्रग्स, नो ड्रग्स, नो वार। हम जंग नहीं चाहते, हम पड़ोसी मुल्कों को भी कहते हम जंग नहीं चाहते। मोदी साहब तो कहते हम गरीबी के साथ आओ ना लड़े डल के, बंदे के पुत्र बन के रहोगे तो हम जंग नहीं चाहते, नहीं बनोगे तो फिर अगली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार रहो। ये 56 इंच की छाती वाला है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये संदेश है हिमाचल वासियों का पूरी दुनिया के नाम। नो ड्रग्स, नो वार, नो ड्रग्स, ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको नहीं पता, होए होए कर लो तौबा, तौबा तौबा, कर लो तौबा सौ सौ बार, कहते फिरोगे वरना यार, कर लो तौबा सौ सौ बार, कहते फिरोगे वरना यार। टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे हो गया, टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे हो गया।
छोटे छोटे हो गया दिल, छोटे छोटे हो गया। बहुत पॉजिटिव लोगों का मेला लग जाता। आप देखो रात का क्या टाइम हो गया और लोग पता नहीं कब से बैठे हैं अपने महबूब नेताओं के इंतजार करते हैं। बहुत ये मैं आज ही अर्ज कर दूं कि बीजेपी की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता। सारा हिमाचल डोल रहा है, डूबल डूबल बोल रहा है। सारा हिमाचल डोल रहा है, डूबल डूबल बोल रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर जगह बहुत रश हो रहा है, बढ़िया बढ़िया रैलियां हो रही हैं और बड़ा मजा आ रहा है हर शहर में। वहीं भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा की लहर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अंडर 9 तक सीमित रहकर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास तभी संभव है जब प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री होगा। और ये इस बात का द्योतक है, आप इतने रात गए, इतनी संख्या में, इतने बिल्कुल चेतनी जी के साथ यहाँ पर हाजिर हुए कि परिवर्तन की जो यहाँ आंधी है हिमाचल प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाके रहेगी। और इनको मैं कहता हूं कि अंडर नाइन पहुंचाएंगे। पिछले 5 वर्षों में मैंने कोशिश की है अपने विधायक निधि, सांसद निधि और बाकी चीजों से आप लोगों की सेवा करने की। बाकी बड़े काम सरकार के साथ जुड़े होते हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार के साथ जुड़ा होता है। आप लोग द्वारा से आशीर्वाद देंगे, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, धूमल जी की सरकार बनेगी। और मैं हर जगह कहता हूं कि पूरा हर सपना होगा जब मुख्यमंत्री अपना होगा। और जब मुख्यमंत्री अपना होता है तो रीमा जी बोले थे मंत्री मंत्री नहीं, आप मुझे सिर्फ विधायक बना दो, मैं मुख्यमंत्री हूंगा जब धूमल जी मुख्यमंत्री होगा।